ओके तो हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज। वो व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो बैलेंस नहीं है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा टफ होता है सॉल्व करना। ओके तो हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज, तो हमको पूछा है इनके और इनके बीच में का रेजिस्टेंस निकालिए। ओके वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। या फिर हमको यहाँ बैटरी भी दे देते हैं बहुत बार और बोलते हैं कि करंट निकालो हर ब्रांच में, तो चलता है कैसा भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि सपोज हमने इसको EMF E का बैटरी लगा दिया, दैट वी हैव अज्यूम्ड। ओके सो लेट्स अज्यूम दैट कि हमने यहाँ EMF E का बैटरी लगाया। ओके और यहां से टोटल करंट आया और यहां पर आने के बाद ये करंट डिवाइड हुआ दो पार्ट में, I1 I2, और ये I1 गया इधर की तरफ से I3, तो यहां बचा कितना I1 minus I3। अब ये I2 यहां से आ रहा है और I3 यहां से आ रहा है, तो यहां से करंट कितना जा रहा है I2 plus I3, और आप फिर से इसको मिला दोगे तो कितना आ जाएगा I। ओके अब बाय ओम्स लॉ अगर हमको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो इट विल बी टोटल EMF अपॉन टोटल करंट, E अपॉन I। अगर मैं करता हूं तो मुझे A और C के बीच में का पूरा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब फाइनली मुझे इस चीज को फाइंड आउट करना है। ओके बहुत सारे केसेस में यहाँ बैटरी में वैल्यू दे देते हैं और हमको यहाँ करंट पूछते हैं, सेम प्रोसीजर से कर करना है। ओके चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हम लूप सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये एक लूप हुआ KVL टू दिस लूप, ये वाला लूप और ये वाला लूप। ओके लूप वन लूप टू और ये बाहर वाला लूप थ्री। चलिए एक एक करके देखते हैं। नाउ KVL टू लूप वन, अब हम अप्लाई कर रहे हैं KVL टू लूप वन, तो KVL का क्या इक्वेशन है, समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल टू जीरो। समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल टू क्या होता है, जीरो, दैट इज KVL का इक्वेशन। तो चलिए इस लूप में, लूप नंबर वन में, यानी कि A B D A EMF है ही नहीं, तो ये EMF तो है नहीं, इसलिए मैंने इसको जीरो लिख दिया। चलिए अब हमारा डायरेक्शन, हमारा लिया हुआ डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम इस IR को क्या ले लेंगे, माइनस 5 I। फिर से हमारा लिया हुआ डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम ये वाले IR को क्या ले लेंगे, फिर से माइनस 10 I3। एंड हमारा लिया हुआ डायरेक्शन करंट के अपोजिट जा रहा है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 10 I2 इक्वल टू जीरो। ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, R1 अपॉन R2 5 अपॉन 2 कितना होता है 1/2, R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 2/1, ये 1/2 है, 2/1 है, तो ब्रिज बैलेंस हुआ क्या, नहीं, तो ये जो ब्रिज है द ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। ओके चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब लूप 2 को अप्लाई करेंगे, पहले इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो ये अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो बताइए 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस I1 माइनस 2 I3 प्लस 2 I2 इक्वल टू जीरो। और आप इसको प्रॉपरली अरेंज करते हो तो माइनस I1 प्लस 2 I2 माइनस 2 I3 इक्वल टू जीरो, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके चलिए अब दूसरा देखते हैं। नाउ अप्लाई KVL टू लूप 2, लूप 2 को KVL लगाते हैं, फिर से समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल टू जीरो, समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल टू जीरो। चलिए लगा देते हैं इस लूप में, EMF तो है ही नहीं, जीरो प्लस। चलिए अब देखते हैं,
हमारा लिया हुआ डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इसको ले लेंगे माइनस टेन इन ब्रैकेट आई वन माइनस आई थ्री। फिर से यहां पर हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, तो हम इसको ले लेंगे प्लस फाइव आई टू प्लस आई थ्री। एंड हमारा लिया हुआ डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, तो हम इसको ले लेंगे प्लस टेन आई थ्री इक्वल टू जीरो। चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस टेन अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन आई वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन आई थ्री प्लस फाइव आई टू प्लस फाइव आई थ्री प्लस टेन आई थ्री इक्वल टू जीरो। चलिए आई वन और कहीं पर है क्या आई वन? नहीं, तो मैं लिख दूंगा माइनस टेन आई वन। आई टू कहां पर है? ये प्लस फाइव आई टू। आई थ्री यहां है, यहां है, यहां है, तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी प्लस फाइव हो जाएगा ट्वेंटी फाइव आई थ्री इक्वल टू जीरो। फिर से हम किससे डिवाइड कर देंगे? फाइव से, तो ये हो जाएगा माइनस टू आई वन प्लस आई टू प्लस फाइव आई थ्री इक्वल टू जीरो। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर टू। ओके, फाइनल लूप नंबर थ्री। केवीएल टू लूप थ्री। तो चलिए लूप थ्री में हम ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा डायरेक्शन है ना, और लूप थ्री क्या है हमारा? तो लूप थ्री है ई ए, ईएमएफ मतलब सेल का ईएमएफ, ई ए डी सी डी ए, ई ए डी सी ई ए, ये पूरा लूप है। चलिए समेशन ई प्लस समेशन आया, तो ईएमएफ बताओ हमारा डायरेक्शन कहां से कहां जा रहा है? तो हमारा डायरेक्शन जा रहा है ईएमएफ से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमने ईएमएफ को क्या लेना है? प्लस। चलिए अब इधर देखते हैं हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है। तो यहां पर हमारा लिया हुआ डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? माइनस टेन आई टू। ओके, चलिए अब यहां पर हमारा लिया हुआ डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या जा रहा है? सेम, तो क्या ले लेंगे इसे? माइनस फाइव आई टू प्लस आई थ्री। ओके, फिर और कुछ बचा? नहीं, या है, या है। दो रेजिस्टर एक ही है, दो रेजिस्टर एक ही है, इक्वल टू जीरो। ओके, चलिए अब देखते हैं, तो ये फाइनली हो जाएगा ई माइनस टेन आई टू माइनस फाइव आई टू माइनस फाइव आई थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा ई माइनस, ये हो जाएगा फिफ्टीन आई टू माइनस फाइव आई थ्री इक्वल टू जीरो। ये बन गया हमारा इक्वेशन थ्री। ओके, तो ये पूरा अभी हमने देखा, व्हाट डिफरेंट। तो अब अगर मैं ये पूरा, अब अगर मैं I2, I3 ये सब फाइंड कर लूं, या I1, I2 अगर पता कर लूं, तो मुझे I मिल जाएगा, क्योंकि I क्या है? तो हमको पता है I है I1 plus I2। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन आ गए हैं, अब हमें शॉर्ट सॉल्व करना है। तो मैं इक्वेशन वन को अरेंज करता हूं, सपोज मैं फाइंड कर रहा हूं आई थ्री की वैल्यू। ओके, इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई टू, चलिए कर लेते हैं। तो मैं आई थ्री की वैल्यू निकालता हूं, तो अब हम इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने जाएंगे, सब कुछ हम आई वन आई टू में निकालेंगे। तो फ्रॉम वन, वन इक्वेशन के हिसाब से बताइए मैं आई थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो पहले तो आई थ्री उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई वन प्लस टू आई टू डिवाइडेड बाई टू, या आई थ्री, समझे आप सब। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो इक्वेशन वन को, तो आई थ्री आपको ये मिलता है। ओके, नाउ दैट इज वेरी इजी। सिमिलरली आप इधर भी अगर सॉल्व करते हो, तो आई थ्री आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो चलिए इधर भी
अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको i3 क्या मिलता है, तो i3 ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो वो हो जाएगा प्लस 2i1 माइनस i2 डिवाइडेड बाय 5। मतलब i3 की जगह पर i1 i2 आप लिख सकते हो, और आप इन दोनों को इक्वेट करके बताओ, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो जिससे आपको i1 i2 का रिलेशन पता चलेगा, माइनस i1 प्लस 2i2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2i1 माइनस i2 अपॉन 5। ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5i1 प्लस 10i2 is equal to, ये 2 इधर चला जाएगा, 4i1 minus 2i2, i1 वाले टर्म्स एक जगह कर लेते हैं, तो चलिए ये minus 5i1 उधर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 9i1, और इधर आएगा तो हो जाएगा 12i2, तो it is very clear, ये solve, reduce कर सकते हैं हम इसको, 3 3 9, 3 4 12, okay? तो हम ये पूरा i1 i2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, या सब कुछ एक टर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ हमारा i2 कितना आ गया, 3/4 i1, got it? अब ये सारे वैल्यूज i3 की वैल्यू और i2 की वैल्यू, मतलब ये पूरा इक्वेशन हम i1 के टर्म्स में लिख देंगे, चलिए तो e माइनस 15 इनटू i2 कितना, 3/4 i1 माइनस 5 इनटू i3, तो i2 की वैल्यू यहां डाल दीजिए, i3 नहीं, इन टर्म्स ऑफ i1 निकाल लेते हैं, तो बताइए माइनस i1 प्लस 2 इनटू 3/4 i1 अपॉन 2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 2 4, ओके? और आप इसको अगर सॉल्व करते हो 2 2 4 हो जाएगा, ओके? तो ये पोर्शन को मैं यहां पे थोड़ा सा रब करता हूं, ये वाला पार्ट आप पीछे जाके फिर देख लेना रिकॉर्डिंग में, ओके? तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 2i1 प्लस 3i1 अपॉन 4, ये 2 2 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा i1 अपॉन 4, तो चलिए i3 की वैल्यू है i1 अपॉन 4 इक्वल टू 0, ओके? चलिए तो हो जाएगा e माइनस 15 3 45 अपॉन i1 by 4 माइनस 5 i1 upon 4 इक्वल टू 0, यानी कि e इक्वल टू कितना हो गया 50 upon 4 i1, तो हमें अब i1 की वैल्यू मिल गई, ओके? चलिए i1 की वैल्यू देखते हैं, देखते हैं इधर करता हूँ मैं, तो अब हमें i1 की वैल्यू मिल चुकी, i1 की वैल्यू है 4 upon 50 e, तो बताओ i2 क्या है, तो आपको पता है i2 है 3/4 i1, 3/4 i1 यानी कि 3/4 i1 कितना 4/50 e, 4 4 कैंसल, 3/50 e, तो टोटल करंट कितना हो गया, तो टोटल करंट क्या है कि i1 ही तो i1 i2 में डिवाइड हुआ ना, तो i1 हो जाएगा i1 प्लस i2, तो बताओ 4 upon 50e प्लस 3 upon 50e इज इक्वल टू कितना 7 upon 50e, सो i इज इक्वल टू 7 upon 50e, सो देयरफॉर e upon i इक्वल टू कितना, तो e upon i इक्वल टू 50/7, और ऑब्वियसली e upon i टोटल emf upon टोटल करंट, मतलब क्या, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझे आप? तो दिखने में भले ही काफी लंबी लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बनाया, बाकी आपके ऊपर है, तीन इक्वेशन है तो तीन में से आप i3 और i2 तीनों को मैंने क्या किया i1 के टर्म्स में निकाला, आप पूरे i2 के टर्म्स में लिख सकते थे। देखो जब भी आप अनबैलेंस नेटवर्क सॉल्व करेंगे डिवीजन ऐसा ही है, तो इसको i पकड़ो और इसको i1 i2 पकड़ो, ओके? i3 फाइंड करने के चक्कर में जाना नहीं, फिर भी अगर यहाँ सेल का ईएमएफ बोलते थे 10-15 वोल्ट है, तो हम हर जगह ई की वैल्यू डालते थे और हमको हर ब्रांच में करंट भी मिल जाता था, ओके? तो अनबैलेंस विटसोन्स ब्रिज ये सादे मेथड से सॉल्व नहीं होता है, इसलिए हमने इसको केवीएल वगैरह ये सब यूज किया, ओके?
तो ये अभी हमने सॉल्व किया अनबैलेंस व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पर रुक जाते हैं हम अभी।